पिछले दिनों विदिशा जिला मुख्यालय के जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र पर दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने कार्यक्रम में शामिल होकर दिव्यांगजनों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सरकार द्वारा निशक्तजनों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, उन्हें किसी भी प्रकार के अभाव से जूझना ना पड़े इसके लिए हर स्तर पर प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की टेली लॉ योजना शुरू की है। इस योजना में प्रदेश के अन्य जिलों की तरह विदिशा जिले में भी कॉमन सर्विस सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरतमंदों को दिल्ली में बैठे वकीलों से मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकेगी। विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस योजना को संचालित किया जा रहा है। विदिशा जिले में महिला अपराध साइबर क्राइम रोकने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस की महिला सेल के माध्यम से महिला संबंधी अपराधों और साइबर क्राइम के संबंध में बालिकाओं से जानकारी साझा की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि यदि जिले की किसी भी महिला को कहीं भी या किसी भी व्यक्ति से असहजता या परेशानी महसूस होती है तो वे अपने माता पिता, बड़े भाई बहन या फिर महिला अध्यापक को आवश्यक रूप से बताएं, जिनका दायित्व है कि वे इसकी सूचना पुलिस को देंगे। विदिशा जिले में नगरीय विकास की योजनाओं को जन अनुरूप बनाकर जन भागीदारी से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। प्रचलित योजनाओं को सुव्यवस्थित कर उत्तरदायी नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में परिणाममूलक कोशिशें निरंतर जारी हैं। पिछले एक वर्ष में रुकी या अधूरी पड़ी पेयजल और मेट्रो आदि परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित किया गया है। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा विदिशा जिले को भी आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है। आयोग के मापदंडों के अनुरूप जिले में क्रियान्वित सुधार कार्यों के तहत संपादित अब तक की कार्यवाही का हाल ही में भारत सरकार पंचायत राज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय सिंह ने जायजा लिया। श्री सिंह ने कहा कि शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार के लिए टीचर समय पर आएं, पढ़ाएं और इसकी मॉनिटरिंग के भी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। विदिशा जिले में भी NFSA लाभार्थी सशक्तिकरण और सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सत्यापन दल घर घर जाकर NIC द्वारा बनाए गए M राशन मित्र की मदद से सत्यापन का कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में उपभोक्ता समग्र ID से अपनी पात्रता और राशन की दुकान की समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एम राशन मित्र को प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया जा सकता है। इंस्टॉल करने के पश्चात परिवार की समग्र ID से लॉगिन करके राशन की पात्रता पर्ची के अनुसार परिवार सदस्यों की जानकारी, समग्र परिवार प्रोफाइल, BPL कार्ड, नजदीकी राशन की दुकान और POS मशीन की स्थिति के साथ साथ खाद्यान्न आवंटन पासबुक सहित अन्य जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। विदिशा जिले में शिक्षा के प्रति गंभीरता बढ़ाए जाने के उद्देश्य से प्राथमिक कक्षा 5वीं और पूर्ण माध्यमिक कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा बोर्ड पैटर्न में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के प्रश्न पत्र राज्य स्तर से निर्मित कर जिले को प्रदाय किए जाएंगे। परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण और परीक्षा केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति की भी व्यवस्था लागू की जाएगी। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन केंद्र निर्धारण और मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति की भी व्यवस्था लागू की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि समूचे जिले में वार्षिक परीक्षा आयोजन संबंधी निर्देशिका वर्ष 2019-20 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधन और मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुक्रम जारी किए गए हैं। पिछले दिनों विदिशा जिला मुख्यालय पर 65वीं राष्ट्रीय शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने स्थानीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल के प्रांगण में खेल ध्वज का अनावरण कर किया। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।